अच्छा रवि देखिए, जिंदगी में सीरियस आप एक ही दफा हुए थे और वो भी हमें पता है उसके साथ क्या हुआ था। आज आपने सीरियस होके खेलना है, आज आपने सीरियसली खेलना है, सीरियसली आपने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है। ये बच्चे जो हैं, ये छठी के बच्चे कह रहे हैं कि आपसे बहुत आगे हैं। आपको लगता है कि आप बच्चों को हरा पाएंगे आज? आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक भी चीट इस्तेमाल ना करूं, मेरी पूरी कोशिश होगी। अपना जहन जरूर इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, कल को आप ये ना बोले ना कि बच्चों से चीटिंग करके जीता और ऐसा कुछ, जीत तो मैं रहा हूँ इंशाल्लाह। ओह, तो मैं नहीं चाहता कि कल कोई बच्चे मुझे बोले खड़े होके, ओ भाई हमने रवीद भाई को जिताया है, ठीक है, या आप बोले बच्चों ने, मेरी क्लास के बच्चों ने जिताया। सो दैट्स व्हाई मेरा ख्याल है हम पहले बच्चों से पूछते हैं, या सबसे पहले तो हम याया से पूछते हैं। याया कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? याया ये बन, याया मुझे बताओ आप इनकी हेल्प करना चाहोगे? जी। क्यों? इनको पता नहीं कुछ आता भी है या नहीं। वो कह रहे हैं इनको, मुझे नहीं लगता कि कुछ आता है, तो मैं इनकी हेल्प करूंगा तो शायद ये जीत जाए। वेरी गुड याया, वेरी गुड याया। हमेशा वो कहते हैं ना कि जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते उनकी मदद करनी चाहिए, वो इन लोगों के लिए कहते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। ओके ज़यान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ज़यान, आपके सामने जो हमारे आज कंटेस्टेंट आए हैं, इनके बारे में आप फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, कि लग रहा है कि बहुत ही ज़हीन और ज़हानत के मालिक हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी, वाह वाह वाह। कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप इनको? जी, आप मुझे घूर के ना देखें। क्या कह रहा है? आप मुझे घूर के ना देखें। आई समझ, योर आईज आर वेरी स्टेयरिंग ऑफ द, ओके, ऑफ द हिम। यस, ऑफ द हिम, डोंट स्टेयर। ओके इंशाल्लाह। ऑलराइट ज़रगून, क्या हाल है? ठीक हूं, बस ठीक हूं। आज मुझे लग रहा है कंटेस्टेंट को देख के जरा थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या चीज आ गई है। बहुत परेशान हो गए। अच्छा, कहते मैं बहुत परेशान हो गया। यार आप हमारे बच्चों को स्केयर कर रहे हैं, प्लीज स्केयर नॉट ऑफ द किड्स। ऑलराइट, नेवर माइंड। क्या इनको नसीहत देंगे आप? कुछ भी। हमारे बच्चों ने भी कहा कि हम आपको कुछ नसीहत नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट में बेहतर होंगे? स्पोर्ट्स में या फिर इंग्लिश? जो इंग्लिश तो देखे कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश तो मतलब ऑब्वियस है, देखे इंग्लिश में आप मुझसे 12 कैटेगरीज इंग्लिश रख दें, आप 12 इंग्लिश में कर दूंगा। नहीं, अगर मैं 12 इंग्लिश में कर दूंगा तो मेरा ख्याल आपको समझ ही नहीं आएगी। जी राफिया बेटे, अस्सलाम वालेकुम, आज लेट क्यों आई? वो इन्होंने गलत पार्किंग लगा दी थी। इन्होंने गलत पार्किंग लगा दी थी? हाँ, मैं तो लेके आया हूँ राफिया बेटा, आपको ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो कह रही है इसलिए तो मैं ट्रैफिक में गाड़ी में फंसी हुई थी। कहते हैं आपने हमारी गाड़ी के गाड़ी आगे लगा दी थी। वेरी वाह, तो वो तो मैं अपनी पार्किंग तो पहले करूंगा ना। पार्किंग ऑफ द नाइस, यू डिड वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मदिया, हेल्प करना चाहेंगी इनकी? बिल्कुल करना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि जो अपनी खुद नहीं कर सकते उनकी मदद करना चाहिए, तो मैं इनकी मदद जरूर करूंगी। उसने कहा है कि जैसे वो लोग जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते उनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं इनकी मदद करना चाहूंगी। थैंक यू। All I can say is this. All you can say is, हमारे बच्चे तालियां बजाएं। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।